शायद मेरी ना कोई तकरीबन 15 साल से मेरी बैकबोन में मसला था, तो वो अब जब डायग्नोस हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेट होगा। तो मैंने प्राइवेट डॉक्टर से जब पता किया तो उन्होंने 10 लाख रुपया मांगा, और जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने ना मेरा नाम लिख लिया और मुझे ना बस टालते रहे टालते रहे, आज नाम आएगा अगली लिस्ट में, उससे अगली लिस्ट में, इसी तरह ओजी वाले करके बाजी जी आप बोले। इस तरह से ना वो उस तरह से ना मेरे तो 8 9 महीने इसी तरह तकलीफ में गुजर गए। तो मैंने ना एक दिन यूट्यूब पे आपकी ना के 6000 बिस्मिल्लाह वाली वीडियो देखी, तो मैंने ना कोशिश की कि मैं आप तक किसी तरह फेसबुक, जैसे जैसे वो उन्होंने आपने देखने के इंस्ट्रक्शन दी बाद थी भी मैं कोशिश देखती कर रही। ली, हद हो गई है। तो वो मैं ना उसको ना मैंने 6000 दफा ना पढ़ना शुरू कर दी, सुनना शुरू कर दी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और इसी तरह फिर एक दिन मैं गई कि मुझे कुछ ना आज जरूर करके आना है हॉस्पिटल में ना। खैर गई तो फिर उस दिन डॉक्टर्स ने यही कहा कि आप आएंगी तो दोबारा आपका नाम लिखा जाएगा। तो इस तरह से मतलब मैंने कहा कि इतना मेरा टाइम वेस्ट कर नहीं नहीं दिया, ऐसे मैं नहीं होता, बहुत पढ़ने वाले के साथ ये डिसअपॉइंटेड। नहीं होता। बोले बोले बोले, ये मुझे पक्का पता इतने है। में ना वहां पर एक लड़का आया तो उसने मुझे कहा कि आप क्यों परेशान है, मैंने सारा मसला उसको बताया। उसने कहा कि चलिए आप मेरे साथ आए, मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को आपको चेक करवाता हूँ तो आपका मसला सॉल्व हो जाता है। वो खैर मुझे लेके गया, तो वो था अभी वो उसने बताया कि रिसेंटली ना ये अमेरिका से कोई कंपटीशन था स्पाइन्स के डॉक्टर्स का ना, तो ये विन करके आया, फर्स्ट आया। क्या बात उसने है, खैर मुझे चेक किया, मेरी MRI देखी, तो उसने कहा कि आप ना मैं मसूद हॉस्पिटल का आपको मतलब प्लान बना देता हूँ, तो आप आए और परसों शाम के टाइम आपका ऑपरेट है। तो उसने फिर कहा कि मतलब ये है कि फ्री ऑफ कास्ट मेरा ऑपरेट फ्री ऑफ कास्ट हो गया, अच्छी जगह से हो गया। और मैं फिर मतलब शॉक्ड रह गई कि ये बस अल्लाह पाक ने फरिश्तों के जरिए मेरा काम करवा ऐसा दिया। ही होता है। पढ़ने वाले के साथ फरिश्ते चलते हैं, मलाइका कह लो, मोक्किल कह लो, या जो भी है। मोक्किल तो खैर बहुत ही, आई डोंट लाइक दैट वर्ड, हाँ बट जी लेकिन मलाइका चलते हैं, फरिश्ते जी चलते हैं साथ, क्योंकि आप जिसका पाक कलाम कर रहे जी हो, पढ़ रहे हो उस पाक कलाम के हर 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 पूरे कुरान के हर पारे के हर सूरे के हर आयत के और जी हर इसम के, उसके अलावा हर जी अल्फाज के, हर जेर जबर के, हर नुक्ते के फरिश्ते अलग अलग मंसूब किए गए हैं कुरान के अंदर, तो वो जी फरिश्ते साथ चलते हैं। और आपकी फिर बात इसी बिल्कुल तरह मैं मेरी एग्री कर रहा हूँ।